कैसा भवन बनवाया है आपने राजा जी राज? आज विवाह है और यहाँ इतना अंधकार। विचित्र तो अवश्य है, विवाह स्थल पर तो जगमगाहट होनी चाहिए दीपावली के भांति, यहाँ तो एक भी दीप नहीं है। यही तो इस भवन की विशेषता है। इस भवन में उज्जैनी सोच का प्रमाण मिलता है। इस भवन के निर्माण से उज्जैनी योजनाओं की श्रेष्ठता सिद्ध होगी और इस भेंट को न केवल मगध बल्कि अखंड भारत चिरकाल तक स्मरण रखेगा। और आपने ठीक कहा था सम्राट, यहाँ एक भी दिया नहीं है और ना होगा। किंतु विवाह इस अंधकार में कैसे होगा? कहिए सम्राट, अंधकार या प्रकाश? अद्भुत, अप्रतिम। अब मैं ये सोचकर भी प्रसन्न हूं कि इस भवन का निर्माण करने का आपने हट किया। यह उज्जैनी सोच की श्रेष्ठता का प्रमाण है राजा चिराज। उज्जैनी की सोच ही नहीं, सब कुछ अद्भुत है। कुछ ही देर में ये भवन समस्त मौर्य वंश की चिता में परिवर्तित हो जाएगा और जब मैं उनके भस्म को अपने पैरों से धूल की भांति उड़ाऊंगी तब मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए सब भवन में प्रवेश कीजिए, विवाह समारोह आरंभ होने वाला है। अवश्य। रुक जाइए।
सम्राट, हम पहली बार इस भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, किंतु रीति अनुसार सबसे पहले यहाँ दिया जलाना चाहिए, इसे शुभ माना जाता है। अवश्य रानी सुभ्रसी, मैं आपसे सहमत हूँ। यदि बिंदुसार को संदेह हो गया कि इस भवन का निर्माण नाग से किया गया है, तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसकी आवश्यकता क्या है? मेरा मतलब, यहां पर भूमि पूजन तो हो ही चुका है। राजकुमार जस्टिन ने उचित कहा, इस भूमि का पूजन तो राज पुरोहित के हाथ से हुआ है, उसके पश्चात तो सब कुछ शुभ ही हो रहा है। किंतु एक दीप स्थापित करने में क्या समस्या है? वो भूमि पूजन, ये गृह प्रवेश। रानी सुप्रसी, आप दिया चलाएं। मैंने जो मंगवाया था लाए? अवश्य बबूल के कांटे तुम्हारी बताई हुई उस विशेष जड़ी बूटियों में डुबोकर। जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? सुभाऊ और मेरे परिवार को भी विवाह का निमंत्रण आया है, हम भी वहां उपस्थित होंगे। नहीं, तुम दोनों वहां नहीं जाओगे। क्यों? तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना चाहते हो? हम तुम्हें यूं अकेले नहीं जाने दे सकते। हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे और तुम्हें कभी भी हमारी सहायता चाहिए, संकेत स्मरण है ना? पहुंच भी गए होंगे। रुकिए रानी शुभ्रसी, यदि ये रीति होनी है तो क्यों ना ये शुभ कार्य उसी कर कमलों द्वारा हो जिसे इस भवन में वास करना है। हमारी पुत्र वधु अग्निशिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा मां।
चलिए सब प्रवेश कीजिए। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? मगध के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में विवाह समारोह कैसे आरंभ होगा? अंदर चलिए। आज भूल जाइए कि आप मगध के सेनापति हैं। आज आपके परिवार में एक विवाह होने जा रहा है, उसका आनंद उठाइए। रस्म के अनुसार पहली बार वधु को विशेष स्नान करवाया जाता है और उसके पश्चात ही वर और वधु साथ आकर विवाह संबंधित प्रण लेते हैं और उसके समापन होते ही वर वधु और उनका मूल परिवार यूनानी देवालय आते हैं और वहां पूजा के पश्चात ही भोज आरंभ होता है। क्षमा करना अनुज, मैं बस अभी है। इस विवाह की वजह से हमें एक बार फिर आपके निकट आने का अवसर मिला और हम इतना समय आपके साथ बिता सके हैं। धर्मा, तुम कहां हो? सिद्ध कर दो कि वो भ्रम नहीं था। सिद्ध कर दो कि मेरे नेत्रों को भ्रम नहीं हुआ। सिद्ध कर दो कि हमारा प्रेम अमर है। ये लड्डू उज्जैनी से आए हैं और राजमाता ने कहा है कि कोई भी अतिथि इनका सेवन किए बिना यहां से ना जाए। आपकी आज्ञा की पूर्ति होगी महारानी। लड्डुओं के सेवन करने के कुछ समय पश्चात ही सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब इस भवन में आग लगेगी तो कोई भी अपना बचाव करने योग्य नहीं रहेगा। राजकुमार ध्रुपद, आपकी माँ की दासियाँ कहाँ हैं? सेविका तो वहाँ है, उधर। सेविका, तुम जाओ पता करो अशोक क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। जल लाने गया था, उसे बिना लड्डू खाए जाने मत देना। इस समारोह में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हम चाहते हैं उसे वही सम्मान मिले जो किसी परिवार जन को मिलना चाहिए। जाओ। इससे पहले राजमाता अशोक को देख ले, मुझे उसे वो कलश लेकर यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। राजमाता जरूर कोई योजना बना रही है, वरना वो अशोक को जल लाने के लिए क्यों कहती? मुझे लगता है कि अशोक पर जरूर कोई संकट आने वाला है। मुझे माँ को इस भवन से दूर भेजना होगा, किंतु उन्हें सावधान कैसे करूं?
समय लगा दिया आपने। राजमाता कब से प्रतीक्षा कर रही है? यहां से कलश में स्वयं लेके जाऊंगी। राजमाता बुला रही है तुम्हें। राजमाता? इसका मतलब ये तो राजमाता की दासी है कोई, ये वो नहीं है। ये तो रानी सुब्रसी की दासी थी। क्यों समय से बेकार किया? अग्निशिका का स्नान आरंभ हो चुका है और वधु के घूंघट उठाने की रस्में आरंभ होने वाले का समय आने वाला है। पता नहीं ये जस्टिन कहाँ है, कहीं कोई मूर्खता ना कर बैठे। जब तक ये विवाह हो नहीं जाता यही अनिश्चितता बनी रहेगी। प्रणाम। प्रणाम। अत्यंत सुंदर भवन बनाया है मेरे गुरु के लिए। तुम्हारे गुरु का? मेरे बड़े पिताजी राजकुमार जस्टिन, वो मेरे गुरु भी है ना। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। अब इस विशेष स्नान के बाद क्या होगा? बेटा अग्निशिखा तैयार होकर यहाँ आएगी और जस्टिन उसका घूंघट उठाएगा और इस रस्म के अनुसार अग्निशिखा से पूछा जाएगा कि क्या वो इस विवाह के लिए तैयार है, क्या ये विवाह उसे स्वीकार है। यदि स्वीकार ही नहीं होता तो विवाह के लिए हाँ ही क्यों बोलती? हाँ बोला है तो स्वीकार भी होगा। इतना सीधा सरल भी नहीं होता बड़ों का संस्कार, समझे? पता नहीं कब किसी के मन में क्या आ जाए। यदि वर का मन बदल गया और उसने ही कह दिया कि उसे ही विवाह स्वीकार नहीं है, तब क्या होगा? क्या अशुभ बात कर रहे हो, वो भी जस्टिन के विवाह से क्षणों पूर्व। क्यों करेगा जस्टिन ऐसा? किसी ने मना किया उसे? बोलो, कोई विवश कर रहे हैं? बता दो मुझे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो ये करने वाले हैं, बस संभावना के लिए पूछ रहा था। कोई आवश्यकता नहीं बात करने की, तुम्हारी आयु इन बातों के लिए उपयुक्त नहीं। और यदि जिज्ञासा अधिक हो तो जाओ, पहले अपने मौर्य और कुरसनी विधि विधान समझे। यदि आपको मेरा ये प्रश्न पूछना अच्छा नहीं लगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए, अनुमति दीजिए। हेलेना, बच्चे तो जिज्ञासु होते ही हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारा जस्टिन भी कितने सवाल पूछा करता था? हाँ, तो जस्टिन के बच्चों के प्रश्न हमें स्वीकार होंगे, किंतु बिंदुसार की संतानों को मन करता है अपने हाथों से, विशेष रूप से इस नूर के पुत्र का। इसी बहाने से नूर ने जस्टिन को फंसाया है। अब जाने भी दो हेलेना, वैसे भी थोड़ी ही देर में ये खेल खत्म होने वाला है। वो नूर भी और ये सियामक भी यहीं कहीं मिलेंगे, दोनों पड़े हुए झुलसे हुए।